रात का डिनर करके नहीं होनी चाहिए, मतलब कैसा भी मलाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सभी को राधे राधे और राम राम। अभी मैं आज उठी थी सुबह सुबह 4 बजे, क्योंकि हनु के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो सुबह सुबह रिवीजन के लिए उठी थी। बट मैंने सोचा कि ना आज का ब्लॉग शूट ना करूं, क्योंकि मैं ना एडिटिंग करके डाल नहीं पा रही। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं, तो 5:30 बजे सोचा, तो वही समय आपको दिखा दिया। लेकिन इस समय भी ना बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, और मैंने इसलिए आपको दिखाया है। पता है आज ना दिन लगभग 6 बजे के बाद ही ठीक से ना रोशनी हुई थी, वरना जैसे अच्छी वाली गर्मियाँ चल रही थी ना, तो 6:30 बजे तक तो इतनी चटक वाली धूप निकल आती थी। लेकिन इस वक्त ना मौसम थोड़ा सा पहले से बदल गया है, तो क्योंकि हनु पढ़ता है तो फिर उसको ना नींद आने लगती है, और नींद भगाने का एक ही उपाय है कि चाय या फिर कॉफ़ी पी जाए, जिससे कि नींद भाग जाए। वरना एक तो नींद पूरी नहीं हो रही है, और पूरा दिन पढ़ाई वैसे ही बोरिंग लगती है बच्चों को, तो वो सो जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर मैं भी अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ। तो अभी उठते ही ना 2-3 दिन से वेट लॉस मेरी नहीं चल पा रही है, क्योंकि उठते ही एक कप चाय पी लेती हूँ, उसके लिए बनाती हूँ, तो इसलिए मैं भी पी लेती हूँ। लेकिन हाँ, चाय पीने से पहले मैं 2 ग्लास पानी ज़रूर पी लेती हूँ, ठीक है। तो अभी ना हनु के लिए मैंने ना लंच बनाया था, क्योंकि अभी उसके ना कुछ दिन ना ऐसे वाले पेपर चल रहे हैं जो कि 2-2 हैं, एक इंटरवल से पहले और दूसरा इंटरवल के बाद। तो लंच बना के रखना ज़रूरी होता है, लेकिन वो ना 2-3 दिन से खा के नहीं आ रहा, और आज भी ना लौटा लाया था। लेकिन जो हम माँ लोग हैं ना, हमको ना ये चीज़ समझ में नहीं आती कि बच्चा नहीं खाएगा, हमको लगता ही नहीं, अगर उसे थोड़ा सा भी टाइम मिला तो वो कुछ तो खा लेगा ना, भूखा नहीं रहेगा। लेकिन अभी एग्जाम्स में ना बच्चों की भूख मर जाती है, ना तो कुछ खा के जा रहा है ठीक से, ना ही कुछ खा के आ रहा है लंच में ठीक से, तो लंच भी बच के आ रहा है, जो कि फिर बाद में फिनिश करना पड़ता है। तो अभी वही था, सुबह का समय था, तो मैंने थोड़ी सी ना वॉक कर ली थी सुबह सुबह, और फिर उसके बाद हनु का लंच बना दिया था। और मैंने ना थोड़ा सा हनु को मैक्रोनी खाने को भी दी थी, बट उसने नहीं खाई, 2 चम्मच खाकर उसने छोड़ दी, उसका मन नहीं था। तो बस ऐसे ही यार, पेपरों में ना बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब हमें भी होता था अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है पेट में, अजीब सी गुलगुली सी होती रहती है, और एक घबराहट सी अंदर की कि पता नहीं कैसा आएगा पेपर, क्या होगा। लेकिन ये है कि मतलब मोटिवेशन देने के लिए मम्मी पापा होते हैं बच्चों के साथ। तो और मेरा तो ना क्या है कि जब हनु जगता है ना, तो मैं उसके साथ जगती ही जगती हूँ, मुझे लगता है ऐसा ना हो कि वो सो जाए और फिर वो रिवीजन ना करे, तो मेरे को उसको मोटिवेशन देने के लिए जगना पड़ता है। फिर मैं अपने काम करती रहती हूँ, वो रिवीज़न करता रहता है, और तैयार हो गया था रिवीज़न करने के बाद। आज उसका साइंस का पेपर है, तो अच्छे से ना मतलब भगवान जी के हाथ जोड़ के जा रहा था वो, और फिर ना डेली पेपर में वो ना मेरे भी पैर छू के जाता है, हालांकि वैसे तो वो रोज़ ही मेरे पैर छूता है, लेकिन पेपरों में ना थोड़ा अलग ही बात होती है, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है बच्चों को। तो अच्छे से बेस्ट ऑफ लक बोला मैंने उसको, और वो फिर चला गया। अब उसके जो अभी पेपर चल रहे हैं, उससे पहले वाले जो पेपर चल रहे थे ना, उसमें स्कूल चल रहा था, लेकिन अब जो उसके पेपर शुरू हो रहे हैं ना, वो बस वही वाले हैं कि एग्ज़ाम देकर आ जाएगा। लेकिन ये ना कि सामान किस में लेकर जाया जाए, इसके लिए फिर बैग लेके जाना ही पड़ता है। उसके जाने के बाद मैंने नहा धोकर पूजा कर ली थी, मैं गई थी किचन में, ये मैं इस तरीके से ना स्टोर करती हूँ, मैंने इसकी अलग से बाल्टियाँ बना रखी हैं, नहाने की बाल्टी अलग है और ये आर ओ का पानी स्टोर करने की बाल्टी अलग है। तो अब जैसे ये बाल्टियाँ भर गई, ठीक है, ऐसी 4 बाल्टियाँ मैंने बना रखी हैं, इनको अब मैं कपड़े धो रही हूँ, उधर मशीन में कपड़े चल रहे हैं, उसके बाद मैं इस पानी से कपड़े को धो दूँगी। साफ़ ही पानी होता है, बट हाँ पीने में थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन कपड़े धोने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो कपड़े धो लेती हूँ, पोंछा लगा लेती हूँ इस वाले पानी से, और जो साफ़ सब मतलब ऐसे करना है, कुछ धोई धाई करनी है, तो वो मैं इस वाले पानी से कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ना आर ओ का पानी वेस्ट मत फेंका करो, पौधों में डाल सकते हो, किसी चीज़ की धोया धाई कर सकते हो, जैसे फर्श धोना है, कार धोनी है, ठीक है, और कपड़े धो सकते हो, पोंछा मार सकते हो, तो ऐसी चीज़ों में प्लीज़ यूज़ किया करो, इस पानी को मत फेंका करो। वैसे ही दुनिया में पानी की कमी हो रही है, और आप पानी ऐसे ही फैला देते हो, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं फैलाया जाता, गलती से भी नहीं, बहुत गिल्टी सी फील होती है जैसे हमने क्या चीज़ बर्बाद कर दी। तो आप लोग भी अवेयर हो जाओ इस चीज़ को लेकर, और प्लीज़ मेरी इस बात को प्लीज़ एक रिक्वेस्ट समझ के ज़रूर फॉलो करना। एवरीवन, तो मैं नहाकर घर की साफ़ सफाई करके पूजा करके आ चुकी हूँ, और अब मैं बना रही हूँ, फर्स्ट में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, और ये है सूजी की मैक्रोनी। मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको उबाल लेनी है, उबालने का प्रोसेस मैं आपको बहुत बार वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, अगर नहीं आया समझ में तो मुझे बता देना, बट मैदे वाली मैक्रोनी मत खाना। तो इसके लिए मैंने काट ली है वेजिटेबल्स, प्याज नहीं काटी क्योंकि पतिदेव नहीं खाते, अपने और पतिदेव के लिए बना रही हूँ। हनु के लिए सुबह मैंने लंच में बना कर रख दी थी, वो विदाउट वेजिटेबल्स खाता है, मैगी मसाला वगैरह डालकर, तो
तो सुबह मैंने उसके लिए रखी थी। अब अपने और पतिदेव के लिए बनाते हैं, चाय बनाते हैं और करते हैं ब्रेकफास्ट। आप लोगों को मैक्रोनी पास्ता वगैरह कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके बताना। और क्या आप लोग वेट लॉस में ऐसी चीज़ें खाते हो? मैं तो सब कुछ खाती हूँ, बस मैं क्वालिटी का ध्यान रखती हूँ, क्वांटिटी का ध्यान रखती हूँ। और मैदे वाली अगर मैक्रोनी आपके घर के आसपास मिलती हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें और सूजी से बनी हुई चीज़ों को प्रेफर करें, क्योंकि वो वेट लॉस में मदद करती है। हमेशा यही होता है कि जब खाना या नाश्ता बना रही हूँ तो बीच में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। अभी एक तरफ चाय रखी थी, एक तरफ मैक्रोनी, वो तो मैंने ध्यान दे दिया कि क्या हुआ, कुछ भी बात नहीं आ रही और सिलेंडर हो चुका है ख़त्म, और दूसरा सिलेंडर लगाना पड़ेगा। तो उठा कर लाते हैं और दूसरा वाला सिलेंडर लगाते हैं और इसे निकालते हैं। तो तैयार है हमारी वेट लॉस मैक्रोनी। खूब सारी वेजिटेबल्स डालकर खाइए और आप इसमें प्याज भी ऐड करना। मैंने तो पतिदेव नहीं खाते इसलिए अभी ऐड नहीं की, अकेले अपने लिए बनाती हूँ तो मैं भी इसमें प्याज ऐड करती हूँ और ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस लगती है। खूब सारी सब्जियों को ऐड करो और पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो सब कुछ खा के भी वज़न कम हो जाएगा, ठीक है। और ये है, चाय बन गई है, लेकिन ये चाय अभी विदाउट शुगर है। अपनी चाय छानने के बाद फिर मैं इसमें करूँगी चीनी ऐड पतिदेव के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखो, चीनी को अवॉइड करो। जितना ज़्यादा कम मीठा खाओगे, जितना मतलब बिल्कुल मीठा छोड़ दोगे ना, उतना तेज़ी से आपका वज़न कम होगा। और जितना सोचोगे कि थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो फिर उसी हिसाब से वज़न कम होगा, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो सब कुछ खा के भी ना, सब कुछ खा के नहीं मतलब मीठा छोड़कर, ठीक है, वज़न कम हो जाएगा। लेकिन बाकी की चीज़ें आप खा सकते हो। बाकी मैं आपको बीच बीच में ब्लॉग्स में बताती रहती हूँ, तो ब्लॉग्स को पूरा देखा करो, स्किप करके मत देखा करो, ठीक है, वरना आपके लिए स्टेप्स निकल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। किसी भी ब्लॉग में मैं कहीं भी कुछ भी बता देती हूँ बीच में, तो ब्लॉग्स को पूरा देखा करो। पसंद आए करे तो और लोगों को भी लाइक और शेयर करा करो भाई। ये नॉलेज बस अपने तक मत रखा करो, सब लोगों को बांटो, ठीक है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं लेकर आ गई थी, मैं और पतिदेव दोनों खा रहे थे साथ में, टीवी चला लिया था और एगाथा का नई वेब सीरीज आई है हॉटस्टार पे, वो लगा ली थी और स्लोली स्लोली चबा चबा कर खाते हो ना, तो ये होता है देखो, है ना। इस एक प्लेट में मैं मेरे लिए और पतिदेव के लिए दोनों के लिए मैक्रोनी लेकर आई थी, बट ये हम दोनों के खाने के बाद भी इतनी बची है और ये हमसे नहीं खाई गई। तो बस यही है, जितना स्लो खाओगे, जितना देर से खाना खाओगे, उतना कम खाना आप खा पाओगे और आपका पेट अच्छे से भर जाएगा, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो अब इस मैक्रोनी को मैं उठाकर रख दूंगी, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं ठूसना है कुछ भी आपको। तो अगर खाना बच जाता है, मान लो बाई चांस आपने ले लिया और बच जाता है, तो उसे उठा के रख दो, बाद में खा लेना जब आपको दोबारा से भूख लगे। तो अभी मैं इसे उठाकर रख दूंगी टिफ़िन में भर के, और जब भूख लगेगी या शाम को खा लूंगी जब मुझे जैसे ठीक लगेगा, रात को डिनर में मैं इसी को खा लूंगी, ऐसे ही करती हूँ मैं। तो इसी वजह से ना मेरा सब कुछ खाकर और घर पर रहते हुए भी और कम एक्सरसाइज करने के बावजूद भी इतना फैट लॉस वेट लॉस हुआ है। तो बस वही है, आप सब लोग भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करो, खाने को खूब अच्छे से चबा चबा कर स्लो स्लो खाओ, बहुत धीरे धीरे। अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और लंच के लिए मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल, जिसको मैंने ना 2-3 घंटे पहले ही भिगो दिया था और अब इसको अच्छे से धो लिया है। इसमें हल्दी नमक डाल के मैं गैस पर चढ़ा दूँगी, जब उबल जाएगी तब मैं फ्राई करूँगी इसे टमाटर के साथ, जिस फ्राई पैन में मैंने सुबह मैक्रोनी बनाई थी ना उसी में। और ये ना मैंने कल रात को गोला भिगोया था, जो सूखा गोला होता है वो, इसकी चटनी बनाने के लिए जा रही थी आज, कड़ी पत्ता वगैरह ऐड करके, वो दिखाऊंगी भी आपको, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को पूरा देखो। वीडियोस में ही दिखा चुकी हूँ कि मैं ना ये न्यूरोबियन की एक टैबलेट लेती हूँ, विटामिन B12 की, एक एक दिन छोड़ कर लेती हूँ, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, नसों में हमारे दिक्कत होती है, खिंचाव रहता है, कभी भी नसें चढ़ जाती हैं या फिर पैरों में दर्द रहता है, वेरिकोज वेंस की दिक्कत, ये सब विटामिन B12 की कमी की वजह से होती हैं। और यह है कैल्शियम की टैबलेट और D3 की टैबलेट, मैं ये भी लेती हूँ एक डेली। और अगर मैं ये नहीं लेती ना कैल्शियम की टैबलेट, तो फिर मैं चूना लेती हूँ। तो मैं ना मतलब कुछ दिन चूना, कुछ दिन ये टैबलेट, इस तरीके से लेती हूँ। और ये B12 की टैबलेट मैं एक एक दिन छोड़ छोड़ कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ना इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो, तो ये सप्लीमेंट लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, ये तो सप्लीमेंट्स होते हैं। और जब आपकी एज 30+, 35+ हो जाए तो आपको अपना बॉडी चेकअप करा कर अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो लेना चाहिए। हेल्थ सप्लीमेंट लेने में कोई भी बुराई नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्थ सप्लीमेंट की कमी की वजह से भी हमारा मोटापा कम नहीं हो पाता,
और देखो पसीना कितना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पर, बहुत वापस बिल्कुल पहले वाली गर्मी शुरू हो गई है। जरा सा काम कर लो और पसीना पसीना। आप लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद ना आज सुबह सुबह मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था जो कि मैंने आपको दिखाया, तो सिलेंडर तो हस्बैंड मेरे मतलब चेंज कर गए थे लेकिन खाली सिलेंडर यहीं पे रख गए थे, तो फिर इसको उठाकर मैं बाहर वाले रूम में रख कर आई। और आप लोग देखो मतलब स्टेमिना बढ़ता है एक्सरसाइज करने से, और सिलेंडर उठा के रखने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो वैसे तो मैं ना भरा वाला सिलेंडर भी लुढ़का लुढ़का के ले आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हस्बैंड लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है, वो नहीं होते तो मैं खुद भी लगा लेती हूँ। तो एक्सरसाइज करने से ना ये होता है कि हमारा स्टेमिना बढ़ता है और फिजिक बहुत अच्छी शेप में आती है। आप लोग देखना मेरी फिजिक कितनी अच्छी शेप में आ गई है, और मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे हैं अपनी फिजिक को लेकर। दो नए गुलाब के पौधे लिए हैं, अभी इनको थोड़ी और मिट्टी मंगा करना है, इनको गमले में सेट करना है। ये इस तरीके से ले लिए थे, उनके साथ गमले ले लिए थे। बाकी आपको पता है मेरे यहाँ पर तुलसा जी हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों हैं। ये जो पेड़ है इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसकी जो पुरानी पत्तियां होती हैं ना वो खड़ जाती हैं। देखो अभी मैंने तोड़ी हैं इतनी सारी, इन सबको फेंकूंगी, अभी सफाई करूंगी। बाकी एलोवेरा का है, सदाबहार का है, और ये ना पीपल का पेड़ निकला है अपने आप, इसको हटाना है। एक ही वाला पेड़ है, ये सब अपने आप निकल आए हैं। और ये देखो तुलसा जी के कितने नन्हे नन्हे छोटे छोटे से ना निकल आए हैं पौधे। मैं सोच रही हूँ, मैंने इन सबको हटाया नहीं है अभी, इसलिए मैंने यहाँ की सफाई नहीं की। ये सब थोड़े थोड़े बड़े हो जाए ना तो मैं इनको ना गमलों में लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं इधर की सफाई करूंगी। और मैं ना गर्मियों में अपने पौधे इधर रखती हूँ, ठंडों में मैं अपने पौधे सामने वाली दीवार पर रखती हूँ जिस पर धूप आती है, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आ पाती ठंडों में, लेकिन गर्मियों में उधर बहुत तेज धूप आती है, सारे पौधे जल जाते हैं। तो आप लोग कहाँ रखते हो, किस डायरेक्शन में पौधे? पौधे ना हमेशा पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में ही रखने चाहिए, ईशान कोण में, तो अच्छा फल देते हैं, मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग भी, और मतलब वैसे भी अच्छी दिशा मानी जाती है वो, तो उधर ही रखने चाहिए। आप लोगों को पेड़ पौधे कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत प्यार है, मेरा तो दिल खुश हो गया आज इन दोनों पौधों को देखकर, जिसमें से ना एक इसकी ये डंडी ना टूटी हुई है, इसको काट कर मैं दूसरे में लगा दूंगी। पौधों से मुझे बहुत प्यार है। तो दोपहर का 1 बज रहा है और हमारे यहाँ पर अच्छी खासी इतनी तेज़ धूप निकल रही थी और इतनी तेज़ बादल आ रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखो इतना तेज़ बादल आ रहा है, बहुत तेज़ आंधी सी आ रही है एकदम, और हो सकता है बारिश शुरू हो जाए। 3-4 दिन का अल्टीमेटम है हमारे इधर की साइड की बारिश आएगी बहुत तेज़ वाली। अभी अब मेरे कपड़े सूख जाएं बस, बाकी क्या कहूँ। फिर से बारिश शुरू हो गई हमारे यहाँ पर, बहुत तेज़ आ रही है, मेरे कैमरे पे भी आ रही है। तो लंच में मैंने बनाए हैं जीरा राइस और बनाई है अरहर की दाल, जिसे फ्राई किया है टमाटर के साथ। तो चलो लंच की थाली लगाते हैं। फिर ना दोपहर को लंच सबके साथ ही कर लिया था, तो वो फिर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हनु और पतिदेव दोनों के साथ था, उन लोगों को शूटिंग थोड़ी कम पसंद है। हनु फिर भी करा लेता है लेकिन पतिदेव तो फिर भी नहीं कराते। उसके बाद फिर मैं बना रही थी शाम की चाय, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं, वैसे भी चाय उबलने में काफ़ी ज़्यादा देर लगती है, तो सारा का सारा सामान मैंने चाय में डाल दिया और मैंने एक्सरसाइज की थी। और आप लोग बिलीव मानो, ये जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत मतलब 5-10 मिनट में ही हो जाती है, 10 मिनट समझ लो आप डेली अगर ये एक्सरसाइज कर लोगे तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी ना बहुत ही अच्छी शेप में आ जाएगी, आपकी बॉडी से ना फैट खत्म हो जाएगा, इंचेस लॉस होंगे और वेट भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, बैली फैट खत्म हो जाएगा, कमर के आसपास के जो लव हैंडल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हाथों की चर्बी, बैक की, शोल्डर की, सबकी चर्बी ना ख़त्म हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को करना बहुत ज़्यादा आसान है, कहीं भी स्लैब होनी चाहिए बस आपके पास, या फिर मेज हो इतनी हाइट की आपकी, तो आप ना आराम से ना उस पर हाथ टिका के अपना प्रेशर उस पर डाल के आप आराम से ना ईजिली एक्सरसाइज कर सकते हो। मुझे ना किचन की स्लैब पे एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये एक्सरसाइज ना मैं चलते फिरते कर लेती हूँ, मुझे इसे अलग से ना समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़्यादातर मैं ये वाली एक्सरसाइज करती ही करती हूँ डेली और इससे ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है मेरी पूरी पूरी बॉडी पर। आप खुद देख ही रहे हो, मैंने इतना फिट सूट पहन रखा है लेकिन आपको कहीं से भी ना मेरी बॉडी पर ऐसे चर्बी लटकी हुई नहीं दिख रही होगी, कहीं से भी लव हैंडल्स वगैरह जैसे निकला रहता है वो सब कुछ नहीं दिख रहा होगा और वो सब ना इसकी वजह से ही हुआ है। हालांकि अभी मेरी बॉडी पर थोड़ा फैट और रह गया जो मुझे ख़त्म करना है, लेकिन वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, जब इतना हो गया है तो ये भी हो जाएगा। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना इससे पैरों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, इसको ज़रूर किया करो डेली, दिन में 2 से 3 बार, ठीक है? सुबह उठने के 2 घंटे बाद कर लिया करो, उसके बाद दोपहर के टाइम, शाम के टाइम और रात को सोने से पहले 2-2 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर किया करो। इससे एक तो बॉडी पोस्चर ठीक होता है, दूसरा पैरों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, और जब ये हमारी नीचे की जो तिल्लियाँ काफ मसल्स होती हैं ना ये दबती हैं ना,
तो हमारे पेट का डाइजेशन ठीक होता है। ये जो हमारी काफ मसल्स होती हैं ये पेट के डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, तो अगर ये काफ मसल्स अच्छे से प्रेशर इन पे पड़ेगा, या तो आप वज्रासन में बैठो तो भी इन पे प्रेशर पड़ता है, या फिर ये वाली एक्सरसाइज कर लो तो रिलैक्स मिलेगा। इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, गैस और ब्लोटिंग नहीं बनती, और आप देखो मेरी फिगर कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है क्योंकि फैट खत्म हो गया है। अब देखो वज़न अगर आपका कम नहीं भी हो रहा ना तो चलेगा, लेकिन बॉडी पे फैट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ वज़न कम करने के पीछे मत लगो, लगो बॉडी से फैट को ख़त्म करने के पीछे। वज़न तो हमारा मस्कुलर भी होता है, जो कि हमको पता नहीं चल पाता कि हमारा वज़न क्यों कम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपकी बॉडी से फैट जा रहा है और आप पतले लगते जा रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया तरीका है, आपको स्लिम ही तो लगना है। वज़न आपका कौन तोल कर देख रहा है, ये तो आपको पता है कि आपका वज़न कितना है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे बिल्कुल भी फैट नहीं है, आप बहुत पतले लगते हो, हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देने लगे कि यार बड़े पतले हो गए हो, कोई आपसे आपका वज़न थोड़ी ना पूछेगा, बस वो आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और मुझसे कोई मेरा वज़न नहीं पूछता, मेरा वज़न मुझको पता है कि कितना है और मुझे कितना करना है, लेकिन सबको मेरी दिखती है फिगर, और फिगर के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही मैं आपको बताऊँगी कि अपने वज़न को कम करने के पीछे मत लगो। अब आप ये देखो, मैंने ना अपनी चाय और हनु की चाय बनाई है, तो मैं अपनी चाय देखो मैंने छान ली, ठीक है, बिना चीनी के, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, और अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, और मैं आपको बार बार इसीलिए दिखाती रहती हूँ कि जितनी जल्दी शुगर छोड़ोगे उतनी तेज़ी से वेट कम होगा, उतनी तेज़ी से फैट कम होगा। तो विदाउट शुगर चीज़ें खाना सीखो। कभी कभी त्यौहार वगैरह पर चलता है मिठाई खा लेते हैं, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर मिठाई खाओगे तो वज़न बढ़ेगा, तो फिर उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, फिर इसके लिए दिमाग में इतनी टेंशन मत पालो कि अरे मिठाई खा ली तो वज़न बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि मिठाई खाओगे तो वज़न बढ़ेगा ही, फिर उसको कम करने का तरीका भी आपको पता है। तो अगर कभी कभी अपने दिल को सुकून देने के लिए मिठाई खाना चाहते हो तो खा लो, फिर वापस एक्सरसाइज शुरू कर दो, ठीक है। ये वेट लॉस जर्नी जो है ये एक दो दिन का खेल नहीं है, ये पूरा लाइफ टाइम का खेल है। अगर आप अभी फिट और स्लिम हो जाओगे लेकिन फिर इसको छोड़ दोगे, वेट लॉस जर्नी को अपना रेगुलर रखना, तो फिर से वेट बढ़ जाएगा। तो वेट लॉस जर्नी आपको एक बार वेट कम करने के बाद भी जारी रखनी है, अपनी रेगुलर रखनी है, जिससे जो आपका वेट कम हुआ है, जो आपका फैट चला गया है बॉडी पे से, वो मेंटेन रह सके। तो सिर्फ वेट लॉस या फिर फैट लॉस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मेंटेन रखना तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको मेंटेन नहीं रखोगे तो वो फिर से वापस आ जाएगा, और ये आपका सच्चा हमसफर है। अगर एक बार आ जाता है तो बहुत ही मुश्किल से जाता है, कितने भी धक्के मार लो, कितना भी भगा लो, पर वो नहीं जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको भगाने के लिए। तो रात का डिनर करके ना मैं आ गई थी टहलने के लिए, और आज हमारे यहाँ पर बारिश हो गई है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, बट जो भी हुई है आधे घंटे करीब बारिश हुई अच्छी वाली, तो मौसम थोड़ा बाहर का अच्छा हो गया है, काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है बाहर का और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो आज वॉक करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो एक्सरसाइज भी मैंने आपको दिखाई थी, मैंने जो आज आपको एक्सरसाइज दिखाई थी ना, मैं वही कर लेती हूँ जैसे जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि किचन की स्लैप इजी होती है, वहाँ पर एक्सरसाइज करना और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी एक्सरसाइज है। जिन लोगों का पेट कम नहीं हो रहा ना, बैली फैट बहुत ज़्यादा है ना, बैक पे फैट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छी है, और हिप्स का थाइस का भी काफ़ी फैट उससे कम होता है, तो उस एक्सरसाइज को ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और टहलने अभी मैं आधे घंटे करीब टहलूँगी, ठीक है। टहलने के लिए मैं क्या करती हूँ, ईयरफोन लगा के या तो म्यूज़िक सुन लेती हूँ, या फिर मुझे अगर किसी से फ़ोन पे बात करनी होती है तो मैं बात करते करते टहल लेती हूँ, उससे ना बोरियत नहीं होती टहलने में और मज़ा भी आता है, और कितना टाइम निकल जाता है ना पता भी नहीं चलता। तो अभी कम से कम आधा घंटा तो मैं वॉक करूँगी, और दिन में दो बार कम से कम वॉक ज़रूर करो अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अदरवाइज़ आधे घंटे की वॉक और आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करो, ठीक है। अभी आपको मेरा फेस ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट मैंने जलाई नहीं है, क्योंकि लाइट जला लो ना छत की तो फिर आसपास से सब लोग देखने लगते हैं कि कौन टहल रहा है, और मुझे ऐसे ही पसंद है, थोड़ी बहुत जो इधर उधर से लाइट्स चल रही हैं उसमें किसी को पता नहीं चलता कि कौन टहल रहा है, क्योंकि हमारे अलीगढ़ की लोकेलिटी ऐसी नहीं है, सब एक दूसरे से मतलब रखते हैं, सब लोग देखते हैं एक दूसरे को, वरना बाहर की सिटीज़ में किसी को कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो समझ में तो आ ही रहा होगा आपको कि मैं वॉक कर रही हूँ, ठीक है, रात काफ़ी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। चलो अभी मैं आपको अपना रात का रूटीन दिखाऊँगी। खाना तो मैंने खा लिया, वही दाल चावल ही खा लिया था दोपहर को जो खाया था मैंने, और
अब मैं रात को कैसा दूध पीती हूँ ना, ये जनरल प्रिकॉशन आया था कि क्या मैंने वेट लॉस जर्नी में दूध पिया है, मिल्क लिया है, कैसा लिया है और कैसा पीना चाहिए। हालांकि मैं ये चैनल पर पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि नाइट का जो रूटीन है वो मेरा क्या रहता है, ठीक है। तो पूरा ब्लॉग देखना लास्ट तक, और जो मैं आपको मिल्क बताऊँगी उसको ज़रूर पीना, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या मैंने वेट लॉस में दूध पिया है ना, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ, मैंने एक भी दिन दूध स्किप नहीं किया, मिल्क मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध हमको ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। अब ये मैं सबके लिए दूध कर रही हूँ, अपने लिए, पतिदेव के लिए और बच्चे के लिए, ठीक है, सबका एक साथ ही दूध करती हूँ। अब आपको दूध लेना कैसे है वेट लॉस के लिए, जैसे कि आपने ये दूध ले लिया, ठीक है, इसमें आपको शुगर ऐड नहीं करनी। तो शुगर ना तो मैं लेती हूँ मिल्क में, ना ही पतिदेव को देती हूँ, ना ही हनु को देती हूँ। अब इसमें आपको ऐड करनी है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दालचीनी, और आप इसमें इलायची ऐड कर सकते हो, और आप इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं दालचीनी नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसमें दालचीनी ऐड कर सकते हो, वो आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो अभी मैं इसमें हल्दी ऐड करने के लिए जा रही हूँ, आप इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने लगभग 3 जनों के लिए हल्दी ऐड कर दी है, ठीक है। हल्दी वाले दूध का गोल्डन मिल्क कहते हैं, मैं इसकी ना प्रॉपर वीडियो भी बना चुकी हूँ। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता हो ना बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह पेट ठीक से साफ़ ना होता हो, तो इस दूध में 1 चम्मच घी डालकर ले सकते हो, उससे सुबह सुबह पेट भी अच्छे से साफ होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें कैसा भी मीठा ऐड नहीं करना, ना तो गुड़ ऐड करना है, ना ही शुगर ऐड करनी है, ना ही मिश्री ऐड करनी है। अगर विदाउट शुगर लोगे ना तो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और अगर आप सिर्फ पेट को मेंटेन कर रहे हो तो आप इसके साथ गुड़ ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें अच्छे से उबाल आने दो, ये हल्दी उबल जाएगी, उसके बाद इसे छान कर और आप आराम से सिप कर करके पियो डेली रात को सोने से पहले। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, नींद की क्वालिटी आपकी बेहतर होगी, और वेट लॉस फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी। बस ये ध्यान रखना कि इसमें दूध में क्रीम नहीं होनी चाहिए, मतलब कैसा भी मलाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपको विदाउट मलाई लेना है जो दूध लेना है रात को। और 1 कप दूध ज़रूर लो डेली, दिन में एक बार ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो, और वो भी रात को सोने से पहले, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अनुसार ना रात को सोने से पहले ही दूध पीना अच्छा बताया गया है, जिससे नींद अच्छी आती है और दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाता है। और रात को ही हमें दूध पीना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलो आज का मैं ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, इसमें बॉयल आएगा, फिर मैं छान कर पीऊँगी सिप सिप करके। भाई जो मैं आपको बताती हूँ, हर चीज़ को स्लोली स्लोली आपको खाना और पीना है वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, ब्लॉग कैसा लगा ये बताना, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और कैसी चल रही है आपकी वेट लॉस जर्नी, कितना कितना वेट लॉस हो गया और कितना कितना करना है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।